हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चटोरी बनिया। मैं हूँ वैशाली और आज हम आ गए हैं नोएडा के सेक्टर 18 की मार्केट में, यहाँ का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने। सो बेसिकली यहाँ की मार्केट मैंने पहले भी काफ़ी जॉइंट्स कवर किए हैं बिकॉज आई वेंट हेयर फॉर सम हायर स्टडीज़ एंड उनके इंस्टीट्यूट वगैरह के लिए। तो बेसिकली यहाँ की जो मार्केट है विच इज़ वेरी पॉपुलर, ये सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के जस्ट पीछे है। आपको एक चौकानी स्क्वायर बिल्डिंग दिखेगी, उसके आसपास आपको इतने सारे फूड स्टॉल्स दिखेंगे जिसमें से कि आप राम लड्डू, मोमोज और लिट्टी चोखा, डोसा और गोलगप्पे और बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे आप खा सकते हैं विद इन बजट। और आप यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स भी हैं, वटा बर्गर, रोल किंग एंड मैनी मोर थिंग्स आर देयर। तो वी विल ट्राई कि मैं आपको दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बता सकूँ कि कौन से फूड स्टॉल्स बेस्ट हैं इंक्लूडिंग द स्ट्रीट फूड एंड द कैफेज़ एंड रेस्टोरेंट। तो अब हम सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं, चलते हैं अपने फर्स्ट जॉइंट पे और मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ का खाना कैसा है। तो हमारा पहला फूड स्टॉल है पीपी साउथ इंडियन और यहाँ पे भैया अराउंड 10 ईयर्स से ये स्टॉल लगा रहे हैं और बहुत ही पॉपुलर साउथ इंडियन है यहाँ पे खाना इनका। मतलब मेन्यू में आपने अगर देखा हो, आपको प्लेन डोसा, बटर मसाला डोसा, रवा डोसा, पेपर डोसा, उत्पम, इडली, इन पे ऑलमोस्ट मेजॉरिटी सारा साउथ इंडियन खाना है। और अभी मैं आपकी भैया से बात कराऊंगी और सारी चीज़ें बताएंगे हम कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, उनके टाइमिंग्स क्या हैं और हमने क्या ऑर्डर किया है। तो अब मैं भैया से पूछती हूँ कि उनके टाइमिंग्स क्या हैं और वो कितने टाइम से ये सब लगा रहे हैं और उनकी स्पेशलिटी क्या है और हम वो ट्राई करने वाले हैं। तो भैया आप कितने टाइम से यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं? 10 साल हो गए। और आपके ओपनिंग टाइमिंग्स क्या हैं सुबह खुलने के? हमारा सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 11 बजे तक। तो भैया का ये जो स्टॉल है 9:30 बजे से लेकर शाम के 11 बजे तक, रात के 11 बजे तक आप यहाँ पे साउथ इंडियन फूड खा सकते हैं विच इज़ ऑसम। और आप ये देख सकते हैं भैया, आप हमारा एक बटर मसाला डोसा लगा दीजिए। तो अब हम देखते हैं कि हमारा डोसा कैसा बन रहा है और वो कितना यम्मी लगने वाला है। हमारा बटर मसाला डोसा आ चुका है, मुझे बहुत यम्मी लग रहा है देखने में। मैंने यहाँ पे स्ट्रीट फूड में डोसा कभी ट्राई नहीं किया है तो आज मैं ट्राई कर रही हूँ फाइनली और मैं आपको बताती हूँ कि कैसा है। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्रिस्पी डोसा है, सांभर का फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। मुझे इनकी अनियन चटनी बहुत पसंद आई, काफ़ी फ्लेवरफुल है। और आई गेस हमें बटर मसाला डोसा पड़ा है 70 रुपीज़ का, तो मुझे काफ़ी वर्थ इट लगा। मतलब ये जो डोसा है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है उसकी, आप जैसे देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, काफ़ी एकदम क्रिस्पी है। प्लस इन्होंने सांभर इसमें दिया है, आप इसे रीफिल भी करा सकते हैं एंड आप दो जने हैं तो आप दो अलग अलग भी ले सकते हैं सांभर, दैट्स अप टू यू। बट मुझे काफ़ी पसंद आया। तो आप अगर नोएडा में आ रहे हैं शॉपिंग करने या कहीं पे भी, तो आप सेक्टर 18 मार्केट में पीपी साउथ इंडियन पे ज़रूर साउथ इंडियन ट्राई कर सकते हैं एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस है सर।
गाइस, तो डोसा खाने के बाद हम आ गए हैं अपने सेकंड स्टॉप पे, विच इज जय भोले हरी चाट भंडार। ये भी सेक्टर 18 मार्केट में ही है, और जैसा आप देख सकते हैं भैया यहाँ पे गोलगप्पे, टिक्की, फ्राइड बर्गर और पापड़ी, ये सब चीज़ें बेच रहे हैं। तो हम इनसे खाने वाले हैं अपना एक देसी फ्राइड बर्गर, जो ये नॉर्मल मैकडी और ऐसे बर्गर नहीं होते, देसी बिल्कुल फ्राई व्राई करके बनता है। आप सबने खाया हुआ होगा आई एम श्योर। तो हम वही यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं, और मैं आपको फिर बताती हूँ टेस्ट कैसा है और वो कितने रुपए का है। तो चलिए भैया से पूछ लेते हैं कि वो कब से यहाँ पे अपने स्टॉल लगा रहे हैं और उनकी क्या चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। भैया आप कितने टाइम से यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं? 4 साल से 5 साल। तो भैया कम से कम 5 साल से यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं, विच इज़ ह्यूज, बहुत ही एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम है। और आपका आलू टिक्की बर्गर जो है वो कितने का भैया? 30 रुपये प्लेट। तो हमने एक फ्राइड आलू टिक्की बर्गर कराया है। जैसा आप देख सकते हैं कि हमारा बर्गर सेमी फ्राई हो रहा है, आई गेस पूरा फ्राई भी होगा, उसके अलावा टिक्की भी फ्राई हो रही है। बर्गर लग रहा है मुझे ये आलू टिक्की। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि स्ट्रीट स्टाइल बर्गर्स में दही डाली गई है, यूजुअली दही नहीं डालते हैं लोग, बट ट्राई करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ध्यान भी रखना चाहिए भाई, आज कोई दिक्कत नहीं है, बिना गिनती के कोई निकला देगा भाई। इट्स नाइस, मतलब इतना गर्म नहीं लग रहा है बर्गर, बिकॉज ये जो इसकी इतना जो गर्म था वो दही की वजह से बैलेंस हो रहा है। फ्लेवर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं दोनों चटनियों के, उसके अलावा दही का, और इसमें है आपका टमाटो और अनियन आप डलवा सकते हो, और जो भी सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं। तो मैं अपना बर्गर करती हूँ इन्जॉय। ये हमें पड़ा 30 रुपये का, और उसके अलावा आप यहाँ पर टिक्की भी खा सकते हैं, गोलगप्पे भी खा सकते हैं, सूजी के, आटे के, एज यू विश। और यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है और भी बहुत स्टॉल्स हैं। ये इन स्टॉल का नाम है जय भोले हरी चाट भंडार। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इनका ट्राई कर सकते हैं, दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड। हेलो गाइस, सो हम आ गए हैं अपने तीसरे स्टॉप पे फॉर द डे, विच इज़ खान्स काठी रोल्स। तो यहाँ पे आपको मुगलई, चाइनीज़ और काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शन हैं यहाँ पे खाने के। तो अभी हमने ऑर्डर किया है यहाँ से डबल वेज काठी रोल, तो वो हमारा ऑर्डर बन के आ रहा है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसा है। तो हमारा डबल वेज काठी रोल बन के आ गया है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है और बहुत ही लोडेड लग रहा है मुझे, तो मैं ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा है। इज एक्चुअली यम्मी, मतलब इन्होंने इसमें मेयो डाल रखा है, मुझे आई गेस कॉलीफ्लावर है, और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिनका फ्लेवर आ रहा है, कैप्सिकम, टमाटो और ये सब चीज़ें, और बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। और ये काफ़ी हैवी लग रहा है, मतलब 80 रुपीज़ के हिसाब से आप क्वांटिटी देखेंगे तो आई गेस दिस इज़ अ गुड डील। और आप ट्राई कर सकते हैं, इनके काफ़ी और भी अच्छे अच्छे वेरिएंट्स हैं। हमने पनीर का नहीं लिया, सोया चाप है, पनीर है, मतलब वो यूजुअली काफ़ी हैवी हो जाता है तो अभी मैं अवॉइड कर रही थी, बट दिस इज़ आल्सो हैवी। और अब हम अपना काठी रोल ख़त्म करते हैं, ठीक है। सो विद दिस इट्स अ रैप गाइज, और आज की वीडियो में हमने स्ट्रीट फूड के साथ कुछ शॉप्स कवर करने की कोशिश की है इन नोएडा सेक्टर 18 मार्केट, जो नोएडा सेक्टर 18 के जस्ट बैक साइड में है, चौकानी स्क्वायर वाला अगर आपको एरिया पता है तो वहाँ पे
बहुत सारे कियोस्क हैं, बहुत सारे स्टॉल्स हैं, मतलब इट्स लाइक अ लाइवली मार्केट और बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। ये एक बहुत छोटी सी वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है, अदरवाइज़ यहाँ पे इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इतनी ज़्यादा वैरायटी है खाने की, मतलब आपको काफ़ी सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या ट्राई करना है क्या नहीं करना। फ्रॉम मोमोज, राम लड्डू, गोलगप्पे, बर्गर, टिक्की एंड दे हैव कैफेज टू वटा बर्गर एंड खान एंड चॉप शॉप एंड एवरीथिंग। तो इट्स अ रैप फॉर नाउ, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब मैं आपको लेके चलूँगी एक नए एडवेंचर के लिए। हम ट्राई करेंगे नया खाना, नए डिशेज, नई जगहें। तब तक आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को द चटोरी बनिया एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।